के पराठा हम बहुत ही याद हो गए, अंदर से भी देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी स्टफिंग हुई है, कितना प्यारा और कितना मज़े का लग रहा है। ये देख सकते हैं, साथ ले चटनी ले ले, मैंने पुदीने की चटनी बनाई हुई है, साथ जो योगर्ट है और आलू का पराठा है। चले इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। आप इस पराठे का रोल भी बना सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया है, आप इसका माशाल्लाह से ऐसे रोल बच्चों को बना कर दे दें। ये देखें, इस तरह भी खा सकते हैं, और अगर आप ऐसा खाना चाहते हैं तो ऐसे खा लें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब यूट्यूब फैमिली वाले। दुआ करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे व अपने घरों में आबाद और शाद होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे यहाँ 11-12 बज गए हैं, 12 का टाइम है दोपहर का, तो मैं खाना बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चले आज बाहर से स्टार्ट करते हैं, जहाज़ जा रहे स्टार्ट करते हैं, उसके साथ ही आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को उबाल के इनको छील के रख लिया, मैंने 6 आलू लिए, तो इनको दूसरी चीज़ें जो डलनी है वो काट लेते हैं। तो यहाँ हम प्याज को कट कर लेंगे, इनको अच्छी तरह साफ़ करके मैंने इनको धो के साफ रखा है। खाना बनाने से पहले मैंने हाथ धोए। आप भी जब खाना खाएं, खाना बनाएं, पहले सबसे पहले अपने हाथ को अच्छी तरह साफ कर लें। चलिए मैं अब इसका कट करती हूँ, बारीक बारीक सा कटा इसका कट करेंगे हम। बिस्मिल्लाह, इतना बारीक काटेंगे कि पराठा जो है ना वो फटे नहीं। मैं इसी तरह सारे काट लेते हैं, बारीक बारीक काटना है इसको। तो आप देख लें आपने कितने पराठे बनाने हैं, जो आपने स्टफिंग बनानी है उसके हिसाब से आप चीज़ें डाल लें। ये एक कट हो गया, अब मैं दूसरा कर लूँगी। यहाँ मैंने अदरक ले लिया, अदरक को मैं क्रश कर लूँगी, इससे बारीक बारीक हो जाएगी। ये देखिए, ये वाला है, देखिए तारे 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 तारे, मैं इनको फेंक दूँगी। अदरक मैंने वहाँ रख ली। अगर आपका इसके साथ नहीं हो रहा तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। आलूओं को पहले अच्छी तरह उबाल लें, गले हुए आलू चाहिए। अब हम इनको अच्छी तरह मैच करना है, इसमें मसाले डालेंगे। आटा पहले ही हमने गूंद के रखा हुआ है, यहाँ मैंने इनको कर लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं हाथ से भी कर लूँगी। ये जो मैंने अदरक और हरा प्याज रखा है ये डाल देंगे, इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो मसालों में मैं थोड़ी सी इसमें डालूंगी हल्दी, आधा चम्मच हम डालेंगे पहले कूटा हुआ धनिया पाउडर। मैंने ज़्यादा बारीक नहीं इसको किया हुआ, मैंने घर इसको पीसा हुआ है, थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा रखा है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे,
लाल मिर्च डालेंगे, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं इसलिए मिर्च कम ही डालेंगे। सब्ज़ मिर्च मैंने नहीं डाली, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा मसाला डालेंगे, ज़ीरा मसाला डालेंगे। मैंने लाल मिर्च इतनी नहीं ज़्यादा डाली, थोड़ी सी हमने घर में पीसी हुई काली मिर्च खुशबू के लिए डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ की मदद से इसको कर लेंगे। मैं बना रही हूँ लंच, लंच में बनाऊँगी ये, आप नाश्ते में भी बना सकते हैं लेकिन मैं बना रही हूँ लंच में। आज हम पराठे का लंच करेंगे, छुट्टी है। हमारा तैयार हो गया, इसको हम करेंगे साइड पे। आप इसमें सब्ज़ धनिया डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। नमक नहीं डाला था, अब नमक भी डाल लेंगे आधा टेबल स्पून या हसबे ज़रूरत। मैं आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप हसबे जायका डाल लें। बच्चियाँ जो हैं खाना बनाती हैं, प्लीज़ आप सफाई का ज़रूर ख्याल रखिएगा। सफाई निस्वे ईमान है, सफाई का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। चलिए आप पराठा बनाना स्टार्ट करें। दो पेड़े कर लिए, इतने इतने पेड़े ले लिए, दोनों बराबर लिए। अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा बेल लूँगी, मैं दो किस्म का बनाऊँगी, आप देखते रहना। ज़्यादातर हम इस तरह ही बनाते हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं बेलूँगी, थोड़ा थोड़ा बेल लूँगी। इतनी इतनी रोटी बेल लेंगे, इसको साइड पे करेंगे। अब दूसरी को मैं बेल लूंगी। इसकी हम स्टफिंग करेंगे अच्छे से चम्मच की मदद से। इसको बीच में रखना है, बीच में रखते हुए इसको फिर अपने ऐसे चम्मच की मदद से फैला लेना। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। थोड़ी सी स्टफिंग ज़्यादा ही हो रोटी के अंदर तो फिर पता चलता है कि आलू का पराठा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी रख लूँगी जो मैंने बेल के यहाँ रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, अपने हाथों की मदद से प्यारे प्यारे हाथों से इसको प्रेस कर लें साइडों पे कि जब हम इसको बेलें तो जो हमने इसके अंदर आलू की स्टफिंग की है वो बाहर ना निकले। ऐसे थोड़ा सा हम इसमें सूखी इस तरह बनाएंगे तो आपको इसके दो
हिस्से नज़र आएंगे। आप इसको जब खाएं तो बीच में से एक साइड से उठा सकते हैं। यहाँ मैंने रखा हुआ है पैन, तवा, चूल्हा ऑन है, इसको गर्म होने देते हैं, फिर इस पर रोटी डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया, अब हम इस पर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हाथों की मदद से इसको तवे के ऊपर भी थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। गोल गोल पराठा बनाएं और घर वालों के दिल जीत लें। आप इसको नाश्ते में अगर लें तो और मज़ा है। इसमें आप डाल लें, दही ले लें, दही के साथ इसको पेश करें। बनाया, चलिए मैंने कहा कि आज आप लोगों के साथ मैं भी शेयर ये करती हूँ कि इस तरह का पराठा किस तरह का बनेगा। स्टफिंग को हमने इसको ज़्यादा नहीं रोटी बेली, थोड़ी सी बस मैंने इसको कर लिया। अब मैंने इसमें ये रख लिया, अब हम इसको इस तरह पेड़े को आटे को ऊपर ले जाएंगे। ऐसे अब इसको हम हाथ की मदद से इसको दबा लेंगे, फिर इसका पराठा बनाते हैं। मैं ये पहली दफ़ा इस तरह का बना रही हूँ, देखते हैं कि कैसा बनता है। यहाँ देखें, रोटी उस तरफ से पक गई है थोड़ी सी। अब हम इसको पलट लेंगे। बिस्मिल्लाह, हमने इसको पलट लिया, बहुत अच्छा बनता है। दूसरी साइड भी बदल ली है। अब हम यहाँ इस पे लगाएंगे तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम चम्मच की मदद से फैला लेंगे। अगर आप नहीं फैला सकते कोई बात नहीं, आप ऐसे इसको डाल के फेरते रहें। दूसरी तरफ भी आप थोड़ा सा लगा लें। बनाने तो चूल्हे को थोड़ा सा मीडियम पे रखें और इसको पराठे को अच्छी तरह बढ़ने दें। ये देखें कितना क्रिस्पी लग रहा है, अच्छे से क्रिची हो गया। पराठा क्रिची जो होता है वो ही अच्छा लगता है। आप धीमी आंच पे पकाएंगे तो ज़रूर आप लोगों का भी क्रिस्पी ही बनेगा। अब मैं दूसरा बेल लेती हूँ। तो किस तरह बनाते हैं, और हम तो अक्सर ऐसा ही बनाते हैं, इस तरह का दो रोटियां बना के उसके अंदर स्टफिंग लगा के फिर बनाते हैं। ये माशाल्लाह से हमारा पराठा तैयार हो गया। तो इसी तरह मैं दूसरे भी बना मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरी पराठे की रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नए दिन के साथ।